हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे लोगों के, इंस्टाग्राम पे लोगों के, जो लोग मुझे कहते हैं कि भाई पढ़ाई की बहुत सारी बातें हो गई, अब कुछ हमें बताइए, यू नो व्हाट वी कैन डू टू इम्प्रोवाइज ऑन आर इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बढ़िया कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी टिप लेकर के आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा यू नो खुशी देने वाली है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है लर्निंग का, अगर आपको अपनी लैंग्वेज पे काम करना है, इंग्लिश पे काम करना है, फ्लुएंसी पे काम करना है, राइट। एट द सेम टाइम आप एंटरटेन होते हैं, काफी ज्यादा रिफ्रेश होते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी 5 से 6 डिफरेंट यू नो मूवीज के बारे में, कुछ ऐसी सीरीज के बारे में जो बहुत ज्यादा टेक ओरिएंटेड है, गीक्स के लिए बनी है। अगर आप एक इंजीनियर हैं या फिर आप टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट हैं, देन आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है इन सब में देखने में। एंड इनको देखने से जो फायदा आपको होता है अनकॉन्शियसली, दैट इज आपकी इंग्लिश स्पीकिंग काफी बेटर होने लगती है। आपको बहुत सारे नए नए शब्द, बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस, फ्रेजेस सुनने के मिलते हैं और कहीं ना कहीं आप इनको कहीं रिटेन कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जो बाद में व्हाइल यू आर स्पीकिंग टू समवन, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अचानक से यूज में आ जाते हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे टू इम्प्रोवाइज इन योर इंग्लिश अगर आप एक टेक गीक हैं तो। सो हम अपनी लिस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। जो लोग भी इस डोमेन में है या जिनको इंटरेस्ट है वो जरूर देख सकते हैं। इस मूवी में बेसिकली एक हैकर होता है जो किस तरीके से यू नो इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुली फ्लैश, वो काम करता है बाय द मॉर्निंग, रात में लोगों की हेल्प करता है, कुछ काफी बड़ी कंपनीज होती है यू नो मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको कैसे यू नो दिन ब दिन खत्म कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ ही नोज टू हैक सिस्टम्स प्रीटी वेल। ये सब इसमें दिखाया हुआ है। प्लस एक आपका बहुत बड़ा डाउट जो हमेशा होता है जो लोग प्रोग्रामिंग में नहीं है, कोडिंग में नहीं है, कि भाई हैक करना है, हाँ ठीक है किसी के सिस्टम में हैक करना है, किसी का अकाउंट हैक करना है, 3-4 उन्होंने स्टेटमेंट्स लिखे, एक आपकी ब्लैक स्क्रीन पे हरा हरा कोड लिखा हुआ आने लगा, उसके बाद में 5 सेकंड के अंदर सिस्टम हैक हो गया। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, देयर इज अ प्रोसेस एसोसिएटेड टू इट, और वो सभी इन्होंने अपनी सीरीज में काफी अच्छे से दिखाया हुआ है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड ट्राई। सेकेंड, जो मेरे हिसाब से यू नो एक पर्सनैलिटी है जिससे हम लोग काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं, उनकी बायोग्राफी है, दिस इज स्टीव जॉब्स, उनकी बायोग्राफी, द बायोग्राफी नेम इज जॉब्स। तो ये उनकी पूरी स्टोरी है, उन्होंने कैसे एप्पल को डेवलप किया, यू नो स्टीव जॉब्स एज वेल एज स्टीव बोस ने कैसे उन्होंने अपने ग्रैंड से स्टार्ट किया, उनकी डिजाइन थिंकिंग क्या थी, उन्होंने कैसे एप्पल को कंसेप्चुलाइज किया, कैसे ये एक स्टार्टअप गैराज से स्टार्ट होकर के वर्ल्ड वाइड रूल करने लग गया, राइट। दिस इज अ वेरी इंस्पिरेशनल वन। अगर आप में से और भी कोई है जो मेरी तरह स्टीव जॉब्स को काफी ज्यादा यू नो लुक अप टू करता है, देन आई थिंक आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग वॉच होने वाला है। थर्ड रिकमेंडेशन जो मेरे पास आपके लिए है, अब हम एप्पल से फेसबुक की साइड जाने वाले हैं, इज द फेसबुक बॉर्न स्टोरी। आपका फेसबुक बॉर्न कैसे हुआ, कैसे उसका आइडिया कॉन्सेप्चुलाइज हुआ, मार्क जुकरबर्ग ने ये आइडिया सोचा, इम्प्लीमेंट कैसे किया, क्या क्या उनको चैलेंजेस और हर्डल्स फेस करने पड़े, इस मूवी का नाम है द सोशल नेटवर्क। तो आप ये जरूर देख सकते हैं, द सोशल नेटवर्क इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फेसबुक, इंसेप्शन ऑफ द फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड हाउ इट वेंट टू क्रिएट सच अ हाइप अराउंड द मार्केट। नेक्स्ट जो मूवी है, आई एम प्रीटी श्योर जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं आपने ऑलरेडी देख ली होगी, इफ नॉट देन यू हैव रियली मिस्ड आउट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस ऑफ क्रिस्टोफर नॉलन, दैट इज इंटरस्टेलर। यस, अगर आप साइंस फिक्शन में बिलीव करते हैं, अगर आपको टाइम ट्रेवल पसंद है, अगर आपको स्पेस के बारे में जानना पसंद है, अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इंट्रीग करते हैं, दिस इज द बेस्ट मूवी फॉर यू। सो इंटरस्टेलर इज बेस्ड ऑन इंटरस्टेलर ट्रेवल, टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताते हैं, ब्लैक होल, वॉर्म होल के बारे में आपको बताते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मूवी टू वॉच। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं स्पेस के बारे में समझना, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, सो दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी। प्लस इसको देखने के दौरान आपकी इंग्लिश स्पीकिंग तो बेहतर होती ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सजेशन दैट आई हैव फॉर यू इज एक्चुअली कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी वेरी ओल्ड स्टोरी, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान की ये सारी बात है। एलन ट्यूरिंग ने उस टाइम पे ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। ट्यूरिंग मशीन काफी यू नो एक रेडिकल मशीन थी, इट वॉज अ ग्रेट इन्वेंशन जो आज तक भी काफी कॉन्सेप्ट में यूज होता है। इसके ऊपर काफी सारी एल्गोरिथम्स बनी है जो हम आज भी यूज करते हैं। सो इस जो यू नो मूवी का नाम है, दैट इज द इमिटेशन गेम। इमिटेशन गेम में आपको
पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि एलन ट्यूरिंग ने अपनी ट्यूरिंग मशीन कैसे बनाई वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, क्या क्या उनको इश्यूज फेस करने पड़े, कैसे उन्होंने इसकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करी इन टर्म्स ऑफ यू नो मेकिंग पीपल बिलीव कि हाँ ये आगे जाकर काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं और हम आज तक इसे यूज कर रहे हैं इमेजिन। सो आई थिंक ये 5-6 ऐसे सजेशंस हैं जो आप डेफिनेटली गो अहेड चेकआउट कीजिए। देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको इनमें से सबसे अधिक पसंद कौन सा आया। आई एम प्रीटी श्योर ये लिस्ट बहुत लंबी है। ऑफ कोर्स मैंने भी काफी सारी और मूवीज और सीरीज हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, बट स्टार्ट विद आई थिंक ये एक अच्छा मिक्स है। इसमें आपको कुछ हिस्टोरिकल टच भी मिल रहा है, कुछ आपको ऐसे प्लेटफॉर्म जिन्हें आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं एप्पल एंड फेसबुक उनके बारे में भी नॉलेज मिल रही है, थोड़ी सी साइंस फिक्शन और स्पेस भी आ जा रहा है और साथ में थोड़ा सा हैकिंग का टच भी आ जा रहा है प्रोग्रामिंग में। सो दिस इज अ गुड यू नो बकेट टू स्टार्ट विद। अब ऐसा नहीं है कि आपको यही देखते रह जाना है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं आई वुड सजेस्ट आप एक वीक में एक मूवी या एक सीरीज का टारगेट कर सकते हैं जस्ट टू रिफ्रेश योरसेल्फ एंड टू मेक श्योर कि व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द इंटरव्यूज आपकी लैंग्वेज पे भी कमांड बनती रहे। अब लैंग्वेज पे कमांड जरूरी क्यों होती है, कई बार आप जब इंटरव्यूज दे रहे होते हैं आपके इंटरव्यूअर्स इंडियन हो जरूरी नहीं है, स्पेशली जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज या फैन कंपनीज की बात करते हैं Amazon, Facebook, Google, इनमें जो भी रिक्रूटर्स होते हैं जरूरी नहीं है वो सभी इंडियंस हो, समटाइम्स यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ देम एंड देन एट दैट पॉइंट इन टाइम ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको इंग्लिश पे अच्छी कमांड हो, तभी आपके दिमाग में जो आइडिया चल रहा है जो भी अप्रोच आपने लगाई है वो अप्रोच आप उन्हें अच्छी तरह समझा पाएंगे, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करते करते सॉफ्ट स्किल्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दें और सॉफ्ट स्किल्स को सीखने के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग तरीका है। सो आई एम प्रीटी श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप ये सभी रिकमेंडेशंस को चेकआउट करेंगे और भी आपके पास कोई इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशंस हैं तो कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर करना मत भूलना। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर टिल देन, बाय बाय।